हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोटीज वेज किचन। और आज हम बना रहे हैं गेहूं के आटे की चकरी। ये एक ऐसा परफेक्ट नाश्ता है जिसे आप किसी भी टाइम पे सर्व कर सकते हैं, चाहे बच्चों को स्कूल के लिए पैक करके देना हो या चाय के साथ सर्व करना हो। तो चलिए आज बनाते हैं गेहूं की चकरी। चकरी बनाने के लिए सबसे पहले हम आटे को प्रेशर कुकर में कुक करेंगे। तो इसके लिए हमें जो भी बर्तन लिया है उसके ऊपर एक प्लेट रखनी होगी, बट अगर आप ऐसे ही प्लेट रखेंगे तो शायद पानी आटे में जा सकता है। इसके लिए हम पहले प्लेट को किसी कपड़े से बांध लेंगे। यहाँ पर मैंने एक पुराना हैंकरचीफ लिया है, आप कोई भी किचन क्लॉथ यूज़ कर सकते हैं। प्लेट को अच्छे से चारों साइड से आप ऐसे बांध लीजिए, तो जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर बनेगा कुकर के अंदर वो ये कपड़ा अब्जॉर्ब कर लेगा और आटे में पानी नहीं जाने देगा। ये देखिए, कुक करने के लिए कुकर में ऐसे थोड़ा पानी ऐड कर लीजिए। नीचे ऐसे एक स्टैंड रख लेंगे और उसके ऊपर हम रखेंगे आटा और उसके ऊपर कवर की हुई प्लेट। अब कुकर को बंद कर लीजिए और मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 विसल तक हमें इसे कुक करना है। 4 विसल के बाद जब आप कुकर खोलेंगे तो आप नोटिस कर सकते हैं हमने जो कपड़ा रखा था वो चारों साइड से गीला रहेगा, तो ये कपड़े ने हमारा आटा बिल्कुल सेव कर लिया है, आटे में कोई पानी नहीं जाएगा। अब इस आटे को हमें थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रखना है। अच्छे से ठंडा हो जाने दीजिए। आटे को प्रेशर कुकर में कुक करने की वजह से आटा ऐसे स्टिफ हो जाता है, ये बिल्कुल ही नॉर्मल चीज़ है। ये ऐसे स्टिफ दिखता है बट अगर आप ऐसे उसको तोड़ते रहेंगे वो अच्छे से वापस मिक्स भी हो जाएगा। इस तरह आटे को कुक करके चकरी बनाने से वो ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनती है। अब हम इस आटे को छान लेंगे। अब जब भी आटे को कुक करके चकरी बनाएंगे आप एक टेस्ट में जो फ़र्क रहता है वो बिल्कुल नोटिस कर पाएंगे। ये मेरी मम्मी की रेसिपी है जिससे चकरी बहुत ही क्रिस्पी, अंदर से एकदम सॉफ्ट और बहुत टेस्टी बनती है। इसी तरह हम इसे अच्छे से छान लेंगे। अब हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करेंगे। सबसे पहले ऐड करेंगे तिल, यहाँ पे मैंने वाइट तिल लिए हैं, मिर्च और अदरक का पेस्ट, नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ब्लैक सॉल्ट, दही, यहाँ पर हमें दही ज़्यादा खट्टा नहीं लेना है, और तेल। अब हाथ से सब अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अगर आपको चकरी ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप लाल मिर्च पाउडर और मिर्च अदरक की पेस्ट दोनों की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे मैंने ज़्यादा तीखा नहीं बनाया है तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से क्वांटिटी एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। एक साथ ज़्यादा पानी ऐड ना करें, आटे की कंसिस्टेंसी हमें मीडियम सॉफ्ट रखनी है, ना ज़्यादा स्टिफ और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट। अच्छे से मसल लीजिए आटे को। रेडी है हमारा आटा। ऊपर से 1 चम्मच जितना तेल ऐड करके करीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए हमें इसे और गूंदना है।
उसके बाद आटे को कम से कम 30 से 40 मिनट के लिए ढक के साइड पर रख लीजिए। हाथ में थोड़ा सा तेल लेकर किचन प्रेस को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे हम। आटे को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, कम से कम 40 मिनट आप ज़रूर रेस्ट दें आटे को। अब थोड़ा थोड़ा करके हाथ से ऐसे मसलते हुए किचन प्रेस में भर लेंगे हम। चकरी फ्राई करने के लिए जब तक तेल गर्म होता है तब तक हम ऐसे थोड़े स्पाइरल्स बना के रख लेंगे। अब जब भी ऐसे स्पाइरल्स बनाएं ध्यान रहे इसका जो एंड रहता है उसे आप अच्छे से कवर कर लीजिए, नहीं तो फ्राई करते वक्त वो खुल जाएंगे। इसे हाथ से ज़्यादा टच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए चकरी को हमें गर्म तेल में स्लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। ध्यान रहे चकरी आप कभी भी हाई फ्लेम पर फ्राई ना करें, नहीं तो वो अंदर से सॉफ्ट और कच्ची रह जाएगी। एक साथ कढ़ाई में बहुत सारी चकरी ऐड ना करें, थोड़ी थोड़ी करके उसे बैच वाइज ही फ्राई करें। ऐसे उलट पलट के इसे फ्राई करते रहें तो अच्छे से एक समान फ्राई हो जाएगी। आटे को कुक करके हमने यूज़ किया है इस वजह से ये चकरी बहुत ही खस्ता एकदम क्रिस्पी बनती है। रेडी है हमारी फर्स्ट बैच, ये देखिए। अब इसी तरह हम बाकी की चकरी से बैच वाइज फ्राई कर लेंगे। जब आप सेकंड बैच डालें ध्यान रखें पहले तेल को थोड़ा ठंडा कर लें, अगर वो बहुत ज़्यादा गर्म लगे तो। और इसे मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। तो रेडी है हमारी गेहूं के आटे की चकली। ये गेहूं के आटे की चकली आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक करना ना भूलें। मेरी रेसिपी और वीडियोस अगर आपको पसंद आए तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आपके सजेशन नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।